नमस्कार दोस्तों कैसे हो सब मस्त तो होना हंसते रहो खिलते रहो मस्त रहो ध्यान रखना आपका खुद का आपके परिवार का और आपके सेहत का दोस्तों मैं आपका दोस्त सिद्धेश आपके सामने हर एक विषय पर वीडियो करता हूँ आज का हमारा विषय है पंचमुखी हनुमान पंचमुखी हनुमान जी हर कोई भक्त अगर दक्षिण के और द्वार होता है हमारा जो प्रवेश द्वार हम कहते हैं तो ऊपर उसकी फोटो लगाते हैं कई तज्ञ उन्हें बताते हैं कि आप रेमिडी बताते हैं कि आप ये हनुमान जी की फ़ोटो लगाए तो आपको दोष नहीं आएगा लेकिन भक्तों आपको ये पता है क्या कि ये पंचमुखी हनुमान जी कौन है कहाँ प्रकट हुए थे हमें बस हनुमान जी पता है ये पंचमुखी हनुमान की कहानी क्या है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ जब प्रभु रामचंद्र जी और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के बिल्कुल समीपी था तब इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावन को याद किया जो कि माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ही ज्ञाता बड़ा ही ज्ञानी था उसने अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया था तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण करके उनकी देन उन्हें पाताल लोक ले गया था कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य बिल्कुल भी अहिरावन का ही है और उसने हनुमान जी को और प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा हनुमान जी को कहा पाताल लोक जाओ पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकर ध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद बंधक श्री राम और लक्ष्मण से मिले वहाँ पांच दीपक उन्हें पांच जगह पर पांच दिशाओं में मिले जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के लिए जलाए थे इन पांचों दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा इसी कारण हनुमान जी ने ये पंचमुखी रूप धारण किया था उत्तर दिशा में वराहमुख दक्षिण दिशा में नृसिंह मुख पश्चिम दिशा में गरुण मुख आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान जी का मुख इस रूप को धरकर उन्होंने वे पांचों दीप बुझाए तथा अहिरावण का वध करके भगवान राम लक्ष्मण को उससे मुक्त किया था दोस्तों इसी प्रसंग में हमें और भी एक कथा है वो मिलती है पुराणों में जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान जी को पता चलती है जब उनको पता लगता है तो वह संकल्प संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त करके भगवान विष्णु को सौंप देंगे मरियल दानव इच्छानुसार रूप बदलने में बहुत ही माहिर था अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया साथ ही अनुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख भय उत्पन्न करने वाला नृसिंह मुख हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने वाला तथा वराह मुख सुख व समृद्धि के लिए था पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं एवं धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया था आशीर्वाद एवं इनकी सबकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई सब पूजन करने लगे जो कि आज हम भी भक्त लोग पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की ऐसे ये पंचमुखी हनुमान जी की कथा है जो कि कई भक्तों को पता नहीं है हर एक भक्त बस दक्षिण द्वार होता है तो वहाँ पे लगा देता है हनुमान जी की ये पंचमुखी की तस्वीर तज्ञ तो 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 बोले जाते लेकिन ये पंचमुखी हनुमान जी कहाँ प्रकट हुए ये कथा जो मुझे पता थी पुराणों में जो पड़ी थी वो मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की है ये वीडियो आपको कैसे लगता है बिल्कुल मुझे बताइए लोगों को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको